हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका न्यू सोशल के यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं आलू की पैदावार कहां से हुई? सब्जियों का राजा कहा जाने वाला आलू, आपको पता है कि आलू इंडियन नहीं है। आलू को भारत में सब्जियों का राजा कहा जाता है। पूरे साल भारत में मिलने वाला आलू भारतीय खाने में अपनी पूरी पैठ बना चुका है। चाहे वो फेमस स्नैक्स हो, समोसे हो, आलू का पराठा हो, या बिहार और पूर्वांचल में बनने वाला आलू जीरा हो, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक आलू की जो जबरदस्त मांग है, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां आलू का इस्तेमाल नहीं होता हो। लेकिन क्या आपको पता है आलू इंडियन सब्जी है ही नहीं? जी हां, आज के नॉलेज पैकेज में हम आपको आलू के इतिहास के बारे में बताएंगे। 7000 साल पहले पेरू में शुरू हुआ था आलू का इस्तेमाल। अमेरिकन वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक आलू का इस्तेमाल करीब 7000 साल पहले मध्य पेरू में हुआ था। हालांकि दावा तो ये किया जाता है कि आलू की खेती जो है कैरेबियन द्वीप पर हुई थी, तब इसे कबाटा और बटाटा कहा जाता था। 16वीं सदी में ये बटाटा स्पेन पहुंचा। स्पेन के जरिए इसने यूरोप में एंट्री ली। यूरोप में पहुंचने के बाद बटाटा का नाम बदलकर पोटैटो हो गया। भारत में आलू कब आया? भारत में आलू यूरोप के व्यापारी लेकर आए थे। बताया जाता है कि आलू की एंट्री भारत में जहांगीर के समय में हुई थी। भारत में आलू को बढ़ावा देने का श्रेय वॉरेन हिंगस्टन को जाता है, जो 1772 से 1785 तक रहे। इस दौरान आलू को खूब प्रचार और प्रसार भी मिला। मीडिया रिपोर्ट से बताया गया है कि इसका असर मुगल बादशाहों पर खूब पड़ा, खासकर बंगाल के नवाबों पर तो बहुत ही ज्यादा। इसलिए आलू का असर भी बंगाली खाने पर जबरदस्त तरीके से पड़ा है। और पोटैटो से आलू कब हुआ? बताया जाता है कि आलू को जब यूरोपीय व्यापारी लोग कोलकाता के व्यापारियों में बेचना शुरू कर दिया था, तो इसके नाम में बदलाव हो गया था, इसे आलू कहा जाने लगा। मौजूद जानकारी के अनुसार आलू की खेती की शुरुआत भारत में नैनीताल से शुरू हुई। यह भी एक किस्म से अंग्रेजों की ही देन थी। और धीरे धीरे आलू भारत में लोकप्रिय होता गया। हालात ये है कि हमें न सिर्फ आलू के अनगिनत व्यंजन बनाने आते हैं, बल्कि चीन और रूस के बाद दुनिया के तीसरे उत्पादक में आलू का उत्पादक देश भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आलू भारत में ही पैदा किए जाते हैं और आलू से तरह तरह की डिशेस बनती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम आगे की आपको नॉलेज की वीडियोस देते रहें। थैंक यू सो मच।